न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े कई दावे और वादे शासन और प्रशासन के स्तर पर अक्सर किए जाते हैं, लेकिन इन दावों और वादों की पोल उस वक्त खुलती दिखाई देती है जब लोगों को सुविधाएं देने के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। खासकर अगर मध्य प्रदेश के किसानों की बात की जाए तो इनके साथ भी कहीं ना कहीं वो बातें सामने आती हैं जिसके लिए कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था। ऐसा ही मामला किसानों के प्रशिक्षण से जुड़ा है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के प्रशिक्षण के नाम पर इन किसानों को क्या दिया गया, आज इसी पर बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हल्ला बोल। देश में सियासत का केंद्र माना जाने वाला किसानों के नाम पर सरकारें योजनाएं तो बहुत बनाती हैं, उनकी बेहतरी के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी खेती को मुनाफे का धंधा बनाने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की इस मंशा पर उनके अपने ही नुमाइंदे किस कदर पलीता लगा रहे हैं, इसकी वानगी देखने को मिली मध्य प्रदेश के कटनी में, जहां किसानों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से लाखों की लागत से तैयार किए गए प्रदेश के पहले जैविक कृषक प्रशिक्षण केंद्र का साल 2012 में लोकार्पण तो कर दिया गया, लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिला। ताले में कैद प्रदेश का प्रथम जैविक प्रशिक्षण केंद्र, जी हां, खेती को मुनाफे का धंधा बनाने के मकसद से कटनी के चाका में साल 2012 में प्रदेश के इस प्रथम जैविक कृषक प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी गई, ताकि सूबे के किसान यहां से प्रशिक्षण लेकर उन्नत खेती के गुर सीख सके। तत्कालीन कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया के हाथों लाखों रुपए की लागत से तैयार किए गए इस प्रशिक्षण केंद्र का धूमधाम से लोकार्पण भी किया गया, लेकिन उसके बाद से अब तक कृषि विभाग के कर्मठ अधिकारियों ने इसे दोबारा खोलने की जरूरत ही नहीं समझी, जिसकी तस्दीक पिछले 6 सालों से प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य द्वार पर लटक रहा ये ताला भी करता है। और जब इतने सालों में केंद्र का ताला ही नहीं खुला तो किसानों को प्रशिक्षण देने का सवाल ही नहीं उठता। ऊपर से हैरानी की बात तो ये है कि जिन किसानों की बेहतरी के लिए ये प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, उन किसानों को ही इस केंद्र के बारे में कुछ भी नहीं पता। कोई केंद्र है, कोई जगह जहाँ सलाह मिलती है, जहाँ को शायद हमें कुछ मालूम नहीं, हमको नहीं मालूम आई कि प्रशिक्षण केंद्र में क्या होता है। ठीक है ना, ये लिखा है वहाँ के प्रशिक्षण केंद्र, हम रोड से आते हैं जाते हैं चाका पास, बाकी हमको अंदर मालूम नहीं कौन क्या करता है, क्या बैठा है, कहाँ क्या होता है, हमको कुछ मालूम नहीं। आप अपने तरीके से करी तो भाई, अब क्या करिए, हमको कोई जानकारी ही नहीं मिली। अब दिक्कत आती तो हम लोग झेलते हैं, अपनी दिक्कत अपने हिसाब से डील करते हैं उसको। अब खेती तो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, खेती एक व्यापार है अपना। और वर्तमान में अभी आपने देखा कि उस केंद्र, वो केंद्र जब जिस दिन से खुला है आज तक वहाँ ताला पड़ा हुआ है। कई बार शिकायत इससे कलेक्टर से की गई, ना वहाँ किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और ना ही शासन से जो योजनाएं किसानों को तक पहुँचाई जानी चाहिए वो नहीं पहुँचाई जा रही है। इसलिए मैं माननीय कटनी के अपने वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश शासन को दोषी मानता हूँ कि लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद भी मध्य प्रदेश का किसान इस तरह अपनी सुविधाओं से विहीन है। उधर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर प्रशिक्षण केंद्र की बदहाली के लिए सीधे तौर पर सूबे के शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हर 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा करते हैं किसान मजदूर नौजवान गरीबों के लिए केंद्र बना देंगे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यहाँ से ख्वाब दिखा देंगे कि यहाँ से किसान ट्रेंड होकर खरबपति बन जाएगा, आधुनिक निर्माण में आ जाएगा, अपनी फसल को ज़्यादा उत्पादन कर लेगा। सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं मुख्यमंत्री जी, सारे जितने भी योजना हैं उनकी कोई योजना सिर्फ भाषणों तक सीमित है। हमारे गरीब मजदूर नौजवान को कोई उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस मामले को लेकर जब हमने जिले के कृषि उप संचालक से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने तक से इनकार कर दिया, लेकिन किसानों से जुड़े इस गंभीर मुद्दे को लेकर हम भी चुप बैठने वाले नहीं थे। लिहाजा न्यूज वर्ल्ड की टीम ने पूरे मामले से कलेक्टर को अवगत कराया, जिसके बाद कलेक्टर KVS चौधरी ने भी जांच कराने का आश्वासन दिया। अभी मैंने आपसे ही जानकारी ऐसा प्राप्त हुई, मैं भी देख रहा हूँ
कि मैंने जैविक कृषि मैंने प्रोत्साहित करने के लिए मैंने प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, भवन भी बनी हुई है मैं देखा हूँ, लेकिन मैंने उसमें उस प्रशिक्षण कार्य मैंने नियमित रूप से नहीं हो पा रहे। अभी DDSA भी इनसे भी जानकारी लेके उसमें मैंने नियमित रूप से मैंने प्रशिक्षण कार्य होता रहे और जैविक खेती का मैंने लाभ किसानों को लिए पहुँचने के लिए मैंने आवश्यक काम जो करना चाहिए हम लोग करें। खेती को मुनाफे का कारोबार बनाने के लिए सरकार ने कटनी में मध्य प्रदेश का पहला जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोला, लेकिन आज तक इस जैविक प्रशिक्षण केंद्र में किसी भी किसान को प्रशिक्षण नहीं दिया गया। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि की का कारोबार मुनाफे का कारोबार कैसे बनेगा। यश खरे, न्यूज वर्ल्ड कटनी। तो देखिए आपने, ये वो तस्वीरें हैं कटनी के उस प्रशिक्षण केंद्र की जो किसानों के लिए लाखों की लागत से बनाया गया था, लेकिन जिस खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात मध्य प्रदेश सरकार लगातार करती आ रही है और किसानों को ट्रेनिंग देने की बात करके उनके खेती को सुलभ बनाने की बात कहती जा रही है, लेकिन जिस चीज़ के लिए ये प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था 6 साल बाद भी इसका ताला नहीं खुला है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कटनी संवाददाता यश खरे। यश, जिस तरह देखा जाए कटनी के चाका का ये मामला है जहां पर प्रशिक्षण केंद्र किसानों के लिए बनाया गया था और 6 साल पहले इसका उद्घाटन भी कर दिया गया, लेकिन 6 साल से लेकर अभी तक किसानों को पहली बात तो यह है कि इस प्रशिक्षण केंद्र के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, दूसरी बात यह है कि 6 साल से लेकर अभी तक इसका ताला ही नहीं खुला, तो किसको जिम्मेदार माना जा सकता है इस चीज़ को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में प्रथम जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था जो सन 2012 में खोला गया था और कटनी के पूर्व विधायक श्री गिरिजा किशोर पोद्दार जी की नेतृत्व में खोला गया था, जो कि इस समय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के और कटनी के प्रभारी मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया जी जो कि कटनी में प्रभार था जिनका, जिनके द्वारा इसका लोकार्पण भी किया गया था। उसके बाद देखा गया कि कुछ समय बाद ही यह प्रशिक्षण केंद्र बंद कर दिया गया। किसानों की समस्याओं को देखते हुए प्रशिक्षण केंद्र कटनी में खोला गया, वो भी मध्य प्रदेश का पहला प्रशिक्षण केंद्र। उसके बाद आखिर क्यों बंद हो गया, जब इसकी समस्या जब किसानों ने पूछना चाहिए तो अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया, जिस कारण किसानों को समस्याएं आती रही और वह अपनी समस्याओं को खुद देखते हुए खेती करते गए और आज तक उनको खेती में दिक्कत जाती रही। जी यश, जिस तरह देखा जाए जैविक कृषक प्रशिक्षण केंद्र किसानों को उस बात की ट्रेनिंग देना था जिसमें खेती को जो है लाभ का धंधा बनाया जाए और खेती को किस तरह से सुचारू रूप से कम वक्त में उपजाऊ बनाने के साथ ज़्यादा लाभ कमाने को लेकर इस प्रशिक्षण यहां पर दिया जाना था। ये बात का खुलासा फिलहाल नहीं हो पा रहा है कि 6 साल तक ये प्रशिक्षण केंद्र बंद क्यों रहा। तो अगर बात की जाए 6 साल से लेकर अभी तक की, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको लेकर कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाया, जबकि कलेक्टर से भी इस बात को लेकर आपने बात की थी, वहां से भी आश्वासन मिला है, तो क्यों नहीं इसको लेकर गंभीर कदम उठाए गए? जिस प्रकार से देखा जाए कि 6 साल पहले से ये अभी तक बंद है, इसके पहले भी हम लोगों ने न्यूज वर्ल्ड की टीम में कई बार मंत्रियों कटनी में प्रभारी मंत्रियों के और कलेक्टरों के कान में बात डाली, सबके द्वारा ये कहा जाता है कि हम जांच कराएंगे, हम उसको चालू कराएंगे। इसके पहले भी जब कटनी के प्रभारी मंत्री जयंत मलैया जी आए थे, उनके कान में बात डाली गई थी कि कटनी में मध्य प्रदेश का प्रथम जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोला है जो कि आज बदहाली की दुर्दशा में है, इसको देखते हुए किसानों को के लिए खोला जाए और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए, तो उनके द्वारा कहा गया कि हमें आज तक ये नहीं पता कि कटनी में प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, वो भी मध्य प्रदेश का पहला। इसके तहत निर्देश कटनी कलेक्टर विशेष गढ़पाले जी को दिए गए थे, जिनके द्वारा कहा गया था कि हाँ आए दिन ये किसानों के द्वारा शिकायत की जाती है कि हमें प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, हम इसकी जाँच कराएंगे और खोला जाएगा, परंतु उनका तत्काल ट्रांसफर कर दिया गया। उनके द्वारा अभी KVS चौधरी जी आए थे, जिनके कान में भी हमारे द्वारा जब बात डाली गई तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। पर इसमें कुल मिला के ये देखा जाए कि कृषि केंद्र के उप संचालक के द्वारा जब ये बात कही गई कि हमारे द्वारा अभी नॉलेज में नहीं है, या उनके द्वारा ये बात कही गई कि हम बाद में जांच कराएंगे या अभी जांच कराएंगे, 6 साल तक अधिकारियों को ये देखा जाए कि क्यों नहीं जांच कराई, आखिर जब खोला गया है मध्य प्रदेश में पहला, तो आखिर इन किसानों को प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है, एक ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे, कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर उनसे भी इस बात को लेकर जवाब लेंगे। तमाम जानकारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यश। आपको बता दें हल्लाबल में आज हम बात कर रहे हैं कटनी के चाका की, यहाँ पर किसानों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था, जैविक प्रशिक्षण केंद्र। जी हाँ, खेती को मुनाफे का धंधा बनाने के मकसद से इस ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था। लाखों रुपए की लागत से 2012 में इस जैविक कृषक
प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी गई थी और तत्कालीन कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया के हाथों लाखों रुपए की लागत से तैयार किए गए इस प्रशिक्षण केंद्र का धूमधाम से लोकार्पण भी किया गया था। लेकिन जितनी धूमधाम से इस प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया उतनी ही तेजी से ये खंडर में तब्दील होता नजर आया। वजह यह रही कि 6 साल गुजर गए लेकिन इस प्रशिक्षण केंद्र का कभी ताला ही नहीं खुला। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरत करने वाली बात यह है कि जिन किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए ये केंद्र खोला गया था उन किसानों को ये पता ही नहीं है कि प्रशिक्षण केंद्र आखिर होता क्या है और इस तरह के केंद्र में किस तरह की गतिविधियाँ की जाती हैं, किस तरह की बातें की जाती हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इस मामले को लेकर जब कृषि उपज संचालक से न्यूज वर्ल्ड की टीम ने संपर्क किया तो महोदय आनाकानी करते नजर आए और उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद न्यूज वर्ल्ड की टीम कलेक्टर के पास पहुंची, इस मामले से अवगत कराया। केवीएस चौधरी ने जांच कराने का आश्वासन दिया है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाखों की लागत से बनाए गए इस प्रशिक्षण केंद्र को 6 साल बाद भी जो है ट्रेनिंग के लिए नहीं खोला गया। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राजकिशोर यादव, कृषि व्यापारी कटनी से। राजकिशोर, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हेलो जी। चाका में, कटनी के चाका में किसानों की ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर खोला गया था 2012 में, इसका धूमधाम से लोकार्पण भी किया गया, लेकिन 6 साल गुजर गए इस प्रशिक्षण केंद्र का ताला नहीं खुला। आपको मालूम है ये प्रशिक्षण केंद्र क्यों बनाया गया था? किसानों को प्रशिक्षण के लिए बनाया गया था जी, उनको प्रशिक्षित करें ताकि वो खेती उनकी अच्छे से हो सके जी। तो क्या वजह रही 6 साल बाद भी इस प्रशिक्षण केंद्र का ताला नहीं खुला? एक तो शासन की उदासीनता, दूसरा अधिकारियों के द्वारा मतलब ध्यान नहीं दिया गया जी, जिसका कारण इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाया जी। शासन से जो योजनाएं आई, जो लाभ के काम आए, सभी अधिकारी उनको उन्होंने जानकारी दी नहीं, प्रदान की नहीं, खुद ही आपस में उन्होंने तब वो कर लिया जी। किसान इससे अनभिज्ञ रहे जी। इस चीज को लेकर कभी कोई आपने कदम उठाया, इस चीज को लेकर कभी किसी आला अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से बात की गई कि सालों पहले ही प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था लेकिन किसानों को नहीं खोला गया, तो क्या कुछ बात निकल कर सामने, आपने ये मुद्दा अधिकारियों तक पहुंचाया क्या? लगभग 2 या 3 बार हम कलेक्टर से मिल चुके इस विषय में लेकर जी, और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस समय जिन्होंने कार्यकाल में पोदार जी थे उनसे मुलाकात की जी, वर्तमान में संदीप जायसवाल से मुलाकात की जी, बस आश्वासन मिला जी और उसके परिणाम नहीं मिले। आपने कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर का क्या कुछ कहना था इस मामले को लेकर? कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया कि भाई उसे खोला जाए जी, और अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित भी किया। फिर जी 1 हफ्ते बाद कलेक्टर साहब का हो गया ट्रांसफर जी, दूसरे कलेक्टर आ गए चौधरी साहब जी। केवीएस चौधरी अभी मौजूदा कलेक्टर है, पिछले कलेक्टर का नाम बताएंगे आप? गढ़पाले साहब थे जो उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया था और नोटिस भी जारी किया था अधिकारियों को कि अगर ये 1 हफ्ते में चालू नहीं किया गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जी। उसके बाद देखा जाए तो कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया, उनकी जगह पर दूसरे कलेक्टर आ गए, तो इनसे आपने इस मामले को अवगत कराया क्या? नहीं, चौधरी साहब से मुलाकात की है जी, तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ जी और उसको चालू कराने की कोशिश कर। तो क्या लगता है आपको, 6 साल गुजर गए, इस तरह के आश्वासन इस प्रशिक्षण केंद्र को चालू करने को लेकर अक्सर मिल रहे हैं, चाहे वो अधिकारियों से लेकर बात की हो आपने, चाहे जनप्रतिनिधियों से बात की हो, तो क्या लगता है आपको 6 साल बाद किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा और आपको लगता है कि प्रशिक्षण केंद्र खुलना चाहिए किसानों के हित के लिए? नहीं, मुझे तो इस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये गवर्नमेंट के जो मुखिया है जी वो सिर्फ आश्वासन देते हैं जी, झूठी मतलब घोषणा करते हैं पर अमल नहीं करते। जिस तरह देखा जाए मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए, शिवराज सरकार की बात की जाए, किसानों के हित को लेकर राजकिशोर काफ़ी कुछ दावे और वादे किए जाते हैं, उन्हीं दावे और वादों में से एक ये प्रशिक्षण केंद्र भी है, क्योंकि खेती को लाभ का धंधा बनाने को लेकर ट्रेनिंग देने के मकसद से इस प्रशिक्षण केंद्र को बनाया गया था। तो क्या लगता है आपको, वाकई मध्य प्रदेश के किसान को लाभ का, खेती का लाभ का धंधा बनाने को लेकर जो कवायद की जा रही हैं वो कागजों तक ही सीमित हैं या आप लोगों तक पहुँच रही हैं? मुझे तो नहीं लगता, ये तो खेती का जो लाभ का दर्जा की बात कही आ रही है जी, जो प्रशिक्षण के माध्यम से मतलब उनको लाभ, ऐसा कहीं नहीं लगता कि किसान के प्रति ये लोग
ये सरकार जी गंभीर है। चलिए हमको लगता है कि सिर्फ उदासीनता दर्शा रही है जी, तो सिर्फ बोर्ड की राजनीति के तहत बस ये घोषणा कर देते हैं कि लाभ का धंधा माननीय मुखर्जी ने एक दो बार घोषणा की, लेकिन बाद में ये उन्होंने ये भी कहा कि किसानों का ये जो खेती है ये लाभ का धंधा नहीं है। चलिए जी राजकिशोर, हमसे जुड़ने के लिए बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें किसानों का जो है और कृषि व्यापारी की बात की जाए वो भी सरकार के इस रवैये से काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जिस तरह से दावे किए जाते हैं कहीं ना कहीं किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है, और जिस तरह की बात कही जाती है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा और उसके लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ बातें खोखली साबित हो रही हैं। जिस तरह राजकिशोर यादव का कहना है कि जिस तरह 6 साल गुजर जाने के बाद ये प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोला गया तो अब क्या खुलेगा, क्योंकि किसानों को सिर्फ छला जा रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, दावे और वादे तो लाग किए जा रहे हैं लेकिन इन दावों और वादों को आमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, जिसके चलते किसान काफ़ी परेशान हैं, उनको उनके हित में योजनाएं चलाई जाती हैं उसका लाभ भी इन किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हल्लेबल में आज हम बात कर रहे हैं कटनी के चाका की। यहां पर किसानों को ट्रेनिंग देने के मकसद से प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था लेकिन इसका लाभ जो है किसानों को नहीं मिल पाया है, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कटनी डीएम KVS चौधरी। चौधरी जी न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी चाका का एक प्रशिक्षण केंद्र है, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, जो कि मध्य प्रदेश में अपने आप में एक अनोखा प्रशिक्षण केंद्र है, और ये पहला प्रशिक्षण केंद्र है जो किसानों को ट्रेनिंग देने के मकसद से खोला गया था, लेकिन 2012 में इसका उद्घाटन किया गया, तब से लेकर अभी तक 6 साल गुजर गए और इस प्रशिक्षण केंद्र के द्वार पर तब ताला लगा था और आज तक नहीं खुला है, क्या वजह है इसकी? नहीं जानकारी है, मैंने भवन बनी हुई है जी, मैंने अपने पास मैंने फैसिलिटी उपलब्ध है जी, तो हम मैंने इसको वापस मैंने अच्छा से इसको जैविक खेती के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करने और प्रशिक्षण करने के लिए जी वापस खोलेंगे और प्रशिक्षण देंगे जी। क्या आपको इस बात की नॉलेज है, आपके आपका मामला अभी मैंने इसी के बारे में करीब मैंने 7-8 दिन पहले जानकारी मिली थी जी, आपके संज्ञान में ये मामला आ चुका है, 6 साल गुजर गए, इसकी क्या वजह रही कि ताला नहीं खुल पाया? अब पुरानी विषय तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी जल्दी से इसको चालू करके लोगों को प्रशिक्षण लाभ देंगे और खेती के बारे में जी। जिस तरह देखा जाए 6 साल पहले इसका उद्घाटन किया गया था, इन 6 सालों में ये बिल्डिंग कभी किसानों ने अंदर से नहीं देखी और किसानों को ये भी नहीं मालूम कि ये भवन किस लिए और क्यों बनाया गया था और किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 6 साल के बारे में कमेंट करना नहीं, मुझे पूरा जानकारी नहीं जी। अब लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, अपने पास जो इसके, कौन है उसमें जी चौधरी साहब, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? 6 सालों में किसानों को तो इसका लाभ नहीं मिला लेकिन हाँ ये भवन जर्जर अवस्था में जरूर पहुंच गया, खस्ता हाल होने लगा है, किसको जिम्मेदार मानेंगे आप इसके लिए? अभी जानकारी नहीं, जानकारी लेकर बता पाऊंगा। कब तक कार्रवाई की जा पाएगी, की जाएगी इस पर? अभी जल्दी जानकारी लेंगे, मैंने क्यों रुक गया है, क्या कारण है, फिर वापस चालू कर रहे। फिर भी कितने दिनों का आप आश्वासन देंगे, क्योंकि 6 साल तो गुजर गए हैं, कई कलेक्टर आए बदल गए, पहले पूर्ण जानकारी लेने के बाद ही बताना उचित रहेगा जी। जी बिल्कुल, हम आपसे बार बार कॉन्टेक्ट करते रहेंगे और इस बात का जानकारी लेते रहेंगे कि इस प्रशिक्षण केंद्र का ताला कब तक खुलेगा और अभी तक क्यों नहीं खुला गया है। आपके पास या तो जवाब नहीं है या फिर आप देना नहीं चाह रहे इस बात को लेकर जवाब, क्योंकि आपको संज्ञान में ये मामला आए हुए तकरीबन 10 दिन से ज्यादा हो गए, बावजूद इसके अभी तक की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी चौधरी साहब आपको आवाज मिल रही है? मामला ऐसा है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ एक ही आश्वासन दे रहे हैं कि पिछले सालों में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कार्रवाई की गई, इससे उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। अभी उनके संज्ञान में यह मामला आया है, जांच करेंगे, जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस पर जो है बाद में बात करेंगे। फिलहाल चौधरी साहब ये जवाब भी नहीं दे पाए कि आखिर 6 साल में इस ताला क्यों नहीं खुला और इस किसानों को प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया गया। हल्लेबल में आज हमने बात की कटनी के चाका में कृषक जैविक कृषक प्रशिक्षण केंद्र की, जो 6 सालों पहले बनाकर तैयार कर दिया गया, जोर शोर से इसका उद्घाटन भी किया गया लेकिन किसानों को 6 सालों में न तो इसका लाभ मिला और ना ही सबसे खास बात यह है कि अंदर से कभी किसानों ने इसको देखा कि ये प्रशिक्षण केंद्र क्यों बनाया गया और किस तरह की ट्रेनिंग किसानों को देने की बात यहाँ पर कही जा रही थी। खेती को लाभ का धंधा बनाने को लेकर सरकार की तरफ से दावे और वादे तो कई किए जाते हैं और कई योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं किसानों के हितों को लेकर,
सरकार ये योजनाएं जिस तरह से ये प्रशिक्षण केंद्र की हालत देखकर यही कहा जा सकता है कि किसानों के हित में कही जाने वाली बातें सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। जब इसको लेकर कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने भी सिर्फ एक ही बात कही, आश्वासन दिया जाँच की जाएगी, मामला अवगत करा दिया गया है, संज्ञान में उनके मामला आ चुका है, जाँच कर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्लाबल में फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।